गुड मॉर्निंग मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब एकदम बिंदास होंगे मेरे तरह। और मैं अभी यहाँ पे हाथ से कपड़ा धोऊंगी आज, इसी वजह से हम यहाँ पे कल जो बेडशीट हम चेंज किए थे तो सोचे कि हाथ से धो लेते हैं। और ऐसे भी ये जो है न्यू है, मतलब एकदम न्यू नहीं है, ये जो तकिया का जो कवर है इसको हाथ से धोएंगे और बेडशीट जो है उसको भी हाथ से धोएंगे। और ये जो तकिया का कवर है ये न्यू है और मशीन में डालने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा फीका हो जाता है। और मशीन में जो है सारा कपड़ा मिला देते हैं तो उतना अच्छा से साफ नहीं होता है, एक का कलर एक में थोड़ा सा तो आ ही जाता है। इसी वजह से सोचे हैं अब से जो भी बेडशीट या वाइट कलर का जो भी कपड़ा रहेगा, मतलब गंजी यही सब, हाथ से धो लेंगे। और ऐसे भी हाथ से धोना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तो हम सुबह में चाय ये सब पी लिए थे, एकदम मॉर्निंग का भी वीडियो नहीं है, मॉर्निंग का बीच का है, मतलब 10 बजे के बीच का ही है ये वीडियो। और अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं पुलाव बना रहे हैं और कपड़ा को जो है पानी में हम सर्फ में फूलने के लिए रख दिए हैं। जब तक किचन का ये सारा काम हो जाएगा तब तक कपड़ा भी जो है अच्छा से फूल जाएगा। उसके बाद हाथ से नहाने जब जाएंगे उसके बाद खींच के फिर सूखने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए पुलाव बन गया है और बहुत दिन हम पुलाव नहीं बनाए थे, राजदीप को बहुत पसंद है और राजदीप का ही फेवरेट है ये पुलाव और आलू दम। तो यहाँ पे देखिए पुलाव जो है बन गया है, अब राजदीप को दे देंगे खाना। और साथ में बनाए हैं आलू दम, और आलू दम जो हम बनाते हैं थोड़ा सा, मतलब उसका जो ग्रेवी होता है थोड़ा सा हम इस टाइप का ही रखते हैं। और ऐसे तो आलू दम जो है थोड़ा एकदम थिकनेस, मतलब गाढ़ा टाइप का रहेगा, वो अच्छा लगता है, लेकिन राजदीप को जो है थोड़ा सा लिक्विड टाइप का पसंद है, इसलिए हम आलू दम इस टाइप के ही बनाते हैं। और सिर्फ राजदीप का ही तो खाना मतलब नहीं बना सकते, हम लोग का भी बनता है। तो हम लोग आलू दम और पुलाव तो खा लेंगे, लेकिन राजदीप का जो पापा है, मतलब कुसुम जया का जो पापा है, तो शुगर पेशेंट है तो आलू ज़्यादा नहीं खिला सकते। इसी वजह से हम वहाँ पे परवल आलू का भुजिया बना रहे थे और चावल बनाएंगे अभी नहीं, कुछ देर के बाद, और दाल भी बनाएंगे, बर्तन धुल जाएगा उसके बाद हम दाल चढ़ा देंगे और चावल जो है रात को हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चाय जो ये सब पिए, मतलब चाय जो हम पिए थे सुबह में और जो नाश्ता हम किए थे, तो बर्तन रखा हुआ था, तो अभी हाथों हाथ ये सारा बर्तन धो लेंगे, उसके बाद ही हम फिर कपड़ा को खींच के फिर नहाने जाएंगे। और ऐसे जो है अभी, मतलब हम लोग का जो जितना भी लेडीज़ है सब कोई जो है, हम लोग खड़े खड़े बर्तन धोते हैं, खड़े खड़े खाना बनाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसते हैं, इसी वजह से जो है हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है मोटापा का। तो पहले का ज़माने में सब कोई, या हम भी पहले करते थे जब मेरा ये वाला सिस्टम नहीं था खड़े खड़े खाना बनाने का, बैठ के ही खाना बनाते थे, सिलपट्टे पे मसाला पीसते थे और हाथ से ही कपड़ा धोया करते थे। लेकिन जब से मशीन आया है हम एकदम, मतलब क्या बोले, कामचोर हो गए हैं। जितना कपड़ा हो सके हम मशीन में ही धो देते हैं और मतलब कुछ उस तरह पहले जैसा काम कुछ भी नहीं करते हैं। इसी वजह से जो है थोड़ा सा वेट भी मेरा बढ़ गया है, तो सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा अभी चेंज करें जितना हो सके। और सब दीदी माता बहन सबको हम कहना चाहते हैं कि अपना फिगर पे, मतलब अपना हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि सबके घर में ही मशीन होता है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं है तो, क्योंकि हम लोग जो है बाहर, मतलब नीचे बैठ के बर्तन धो सकते हैं, बाहर जाके, बाहर मतलब बरामदा में या बाहर जो भी हो वहाँ पे कपड़ा खींच सकते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग का हाथ का एक्सरसाइज होता है। और पहले कुआं होता था तो कुआं से भी हम लोग पानी निकालते थे रस्सी के मदद से, तो उससे भी एक्सरसाइज हो जाता था। तो अभी देखिए यहाँ पे आप सबसे बात करते करते यहाँ पे मेरा बर्तन भी धुल गया था, और उसके बाद हम बाथरूम चले गए थे कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि बाहर जो है अभी बरसात हो रहा है, इसी वजह से हम बाथरूम में ही कपड़ा को धो लिए हैं और यहाँ पे पसार रहे हैं। और
सब उड़े जाए खीप लगाते हुए नहीं। अभी हो रहा है चार बज रहा है और बाहर हो रहा है बारिश, बाहर हो रहा है बारिश, इसलिए हम यहाँ पे अभी इसको क्या बोलते हैं पसार दिए हैं। हाँ, यहाँ पे पसार दिए हैं जो कि हम बोलते हैं इतने मेले दिए छी जमा को। तो अभी हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा। Sometimes and I can't seem to find a light between